الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما بدعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى वव जद का गौ फ़हद जद का अलफ़ अव मेरे मेरा भाइयों और दोस्तों कुरान करीम की यह तीसवें पारे की एक सूरत है सूर दोहा मुख्तर सी छोटी सी सूरत है और आम तौर पे ईशा की नमाज में पढ़ी जाती है बहुत सारे मुसलमानों को याद भी होती है उसकी तफसीर चल रही है गुज्त मजलिस में इस सूरत में अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन बड़े बड़े इनाम किए उसको ज़िक्र किया है इसको मैंने बतलाया था कुफ़ार ने यह कहना शुरू किया था कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया आपका रब आपसे नाराज़ हो गया तो अल्लाह ने इसके जवाब में यूँ कहा मावद का रबू का व खला कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना वह आपसे नाराज़ हुआ है वह हमेशा आपके साथ है वसव फोती का रबो का फतरदा और आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे आपकी हर मर्जी और हर चाहत पूरी हो जाएगी फिर आगे अल्लाह ताला ने तीन इनामात को ज़िक्र किया ये तीन मौके पर अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा तो अब कैसे वो छोड़ सकता है पहला मौका ज़िक्र अलम यजीत के यतीमन फावा आप यतीम पैदा हुए थे अल्लाह ने आपको ठेकाना दिया इस पर मैंने गुज्त सारे वाकयात बयान कर दिए थे मोटे मोटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसे गुजरा यतीमी की हालत में पैदा हुए थे किन के हाथों में बड़े हुए क्या ऐसे असबाब अल्लाह ने पैदा कर दिए कि आपके लिए बड़ा होना आसान हो गया वरना यतीम बच्चे के लिए बड़ा होना बड़ा मुश्किल है लेकिन अल्लाह ने सारे आपके लिए रास्ते खोल दिए ये है अल्लाह ने कि एक आप उस वक्त अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा तो अब कैसे छोड़ सकता है वह जद का दाअहद आप रास्ते से वाकिफ नहीं थे अल्लाह तक कैसे पहुंचना अल्लाह ने आपको रास्ता दिखलाया आपकी रहनुमाई फरमाई इस पर भी गुज्त बात हो गई थी ये दो बड़े इनाम पर बात गुज्त हो गई एक तीसरा इनाम अल्लाह ने यहाँ यूँ जिक्र किया है कि ए नबी अलैहि वसल्लम व वजद का आगना आप तंगदस्त थे और अल्लाह ने आपको गनी कर दिया आप तंगदस्त थे आपके पास कुछ नहीं था जो यतीम बच्चा होता है उसके पास क्या होता है होता भी है तो कभी चाचा ले लेता है कभी चाचा के बच्चे ले लेते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माल छोड़ गए थे बहुत थोड़ा था वह आपकी परवरिश के लिए काफ़ी नहीं था आपके दादा और आपके चाचा ने आपकी परवरिश की फिर जब आप जवान हुए तो जवान जब आदमी हो जाता है तो अपने पेड़ों पर खड़ा होना शुरू होता है तब तो हाथ में माल तो नहीं था तो कामकाज कैसे करे अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करे तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजारबत पर काम शुरू किया कैसे मुजारबत मुजारबत किसको कहते हैं मुजारबत कहते हैं एक आदमी का पैसा दूसरे की मेहनत जैसे हमारे यहाँ भी होता है एक आदमी का पैसा दूसरे की मेहनत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा होता है हाथ पर लेकिन उनको कमाने का इतना अभी उनके पास तरीका नहीं है कि उसको दो के चार कैसे किए जावे और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कमाने के रास्ते बहुत है लेकिन हाथ पे मुड़ी नहीं है पैसा नहीं है कैपिटल नहीं है तो एक आदमी का पैसा होता है दूसरा मेहनत करता है इसको कहा जाता है मज़ारबत अरबी में इसको मुजारबत कहते हैं कि यह ये ये, ये आकद मुजारबत है और फिर उसमें एक हिस्सा तय हो जावे कि भाई पचास पचास जो नफ़ा हो उसमें पचास पचास और या तीस सितर जो भी तय हो जावे ये उसको मुजारबत कहते हैं तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मुजारबत पर काम शुरू किया उसके लिए हजरत खदीजा रदी अल्लाह जो उस ज़माने की बड़ी मालदार औरत थी आपने उनका माल लेकर शाम का तिजारत का सफ़र शुरू किया क्योंकि तो उस ज़माने में शाम जो है वो एक बड़ा जरख़ेज़ इलाका था जैसे आज दुबई है ना वहाँ हर जगह से वहाँ वो वह एक हब है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर वहाँ से माल जाता है और दुनिया की सस्ती से सस्ती चीज़ें वहाँ मिल जाती है लोग बड़ी खरीदियाँ करें वहाँ जाते या दुबई जाते या चाइना जाते हैं तो उस जमाने में लोग अपने अपने, अपने इलाक़ों में जिन जिनको माल की ज़रूरत होती थी वो माल की ख़रीदारी के लिए वहाँ शाम जाते थे वहाँ से फिर माल लाकर अपने यहाँ बेचते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र शुरू किया उस ज़माने में शाम बहुत बड़ा इलाका था आज सिर्फ शाम का नाम बदल कर सीरिया हो गया उस ज़माने में शाम का कुछ हिस्सा तुर्की में दाखिल था कुछ हिस्सा जो है वो सीरिया सीरिया था कुछ हिस्सा उर्दन का था जिसको जॉर्डन कहा जाता कुछ हिस्सा फिलस्तीन का भी था इतना बड़ा शाम था तो शाम का सफर किया करते थे तो खदीजा रजियाल्ला का माल लेकर आपने शाम का सफर शुरू किया वहां से माल लेकर आए आपको उसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत अता फरमाई और फिर हरत खदीजा रजिय ने जब आपके इतने अच्छे औसाफ सुने थे उसी पर भरोसा करते हुए अपना माल दिया था और आपके साथ अपना एक खादिम भी लगा दिया था कि इनके साथ जाओ ताकि इनके अहवाल पता चले कि आदमी कौन है कैसे हैं क्या करते हैं जब वापस आए माल में इतनी बरकत हुई खूब नफ़ा हुआ और जब खादिम ने आकर हालात सुना है कि बड़े अजीब व गरीब आदमी हैं इनके ये यह है ये या है ये इनके अंदर सिफ़ात है तो खदीजा रदी अल्लाह ने खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा हालांकि उस वक्त खदीजा रदील्ला की उम्र 40 साल थी आपकी 25 साल लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों की तरफ़ तवज्जो नहीं फरमाई और निकाह का पैगाम कबूल कर लिया जब निकाह हो गया तो खदीजा रदी अल्लाह ने अपना सारा माल अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया कि मेरा जो कुछ है वो सब आपका है यहाँ तक कि किताबों में लिखा है उसने मक्त खदीजा रदी अल्लाह ने मक्का के बड़े बड़े लोगों को जमा करके कहा कि आज से मेरा जो कुछ भी है वो मोहम्मद इबन अब्दुल्ल वसम का है मेरा नहीं है तो ये अल्लाह ने एहसान को याद दिलवाया कि आपके पास कुछ नहीं था अल्लाह ने आपको गनी कर दिया मालदार कर दिया आपको बेहिसाब अता कर दिया और फिर हजरत खदीजा रदी अल्लाह के जाने के बाद फिर कुछ तंगी के दौर शुरू हुए तो अल्लाह ने आपको ऐसे ऐसे ज़बरदस्त साथी दिए उसमें ख़ास तौर से हजरत बकर रदी अल्लाह के ऐसे ज़बरदस्त ऐसे साथी थे कि आपको फिर कभी किसी और जगह देखने की ज़रूरत पेश नहीं आई हर बकर ने एक मरतबा यूँ कह दिया यार रसूल्ला मेरा जो कुछ है वो आपका है आप उसमें मेरी इजाजत के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इजाजत भी लेने की जरूरत नहीं है जो मेरा है सब आपका है कैसे जबरदस्त वफादारी का सबूत दिया इसलिए तो खलील कहा जाता है कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को दोस्त बनाता लेकिन मेरा खलील अल्लाह है वफादारी का सबूत दे दिया तो खैर बहरहाल अल्लाह ने उस एहसान को यहां पर याद दिलाया है कि आप को अल्लाह जब आप आए थे आपके पास कुछ नहीं था जैसे कि हम भी कहते हैं कि तुम अडाजन पे आए थे तुम्हारे पास क्या था यहाँ तुम 20 साल पहले 25 साल पहले तुम्हारे बाप दादा यहाँ इलाके में आए थे कोई 30 साल पहले आए था तुम्हारे पास कुछ नहीं था मेरे कितने रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए थे यहाँ सूरत में सूरत में हम आए थे अपने गाँव को छोड़कर हमारे पास पचास रुपये थे कोई कहता हमारे पास 500 सिर्फ थे कुछ नहीं था दूसरा लेकिन आज वो माशाल्लाह बहुत गनी है अल्लाह ने उनको बहुत दे दिया है तो अल्लाह ने उस एहसान को याद दिलवाया कि देखो तुम क्या थे पहले लेकिन अल्लाह ने अब तुमको कैसा बेनियाज कर दिया तो एक बात यहाँ मैं जमनन कहते चलूँ कि ये जो नबी करीम वसल्लम मामला करते थे उसको कहते थे माले मुजारबत माले मुजारबत कहा जाता था एक आदमी का पैसा दूसरे की मेहनत हमारे यहाँ भी मार्केट में चलता है कि टके पे देते पैसा जिसको इन्वेस्टर बहुत है हमारे मार्केट में जिनका काम ही है कि इन्वेस्ट करना तो उसमें एक गलत तरीका हमारे यहाँ ये चला है कि फ़िक्स पे दे देते मैं तेरे को दस पेटी देता हूँ तेरे मेरे को महीने इतने दो टके दे देने के बाद ख़त्म आगे तो कितना भी कमावे कितना भी नुकसान करे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरे को फिक्स हर महीने पहुंचा देने याद रखना ये सूद है ये क्या है ये सूद ये मार्केट में यही चलता है कि फिक्स पे दे दिया दो टके तीन टके पे बस दो टके चलते हैं आम तौर पे दो टके पे दे दिया अब आगे तू न कमावे तू नफ़ा करे तू नुकसान करे उससे अपना कोई लेना देना नहीं है ये सूद है शरीयत में मुजारबत का अकद इस तरह तय होगा कि हम जो तुझे पैसा देते हैं इसमें फिक्स इस तरह हो जाएगा कि तेरे तीस मेरे सी या चल भाई मेहनत करने वाले के दस बाकी मेरे न्यू लेकिन ये जो है पूरे पूरे नफे और नुकसान में दोनों शरीक होंगे नफे और नुकसान में दोनों शरीक तुमको भरोसा ही नहीं कि आदमी नुकसान करेगा तो मत दो उसको तुम उसके कामकाज की खबर रखो कि वो क्या कर रहा है नफ़े में भी तुम पूरे पूरे शरीक और नुकसान में भी तुम पूरे पूरे शरीक अब कहते हैं कि हर महीने कैसे हिसाब करे तो हर महीने तुम डायरी बना लो फिर साल के एंड में हिसाब कर लो कि मैंने तेरे को दस दिए थे ये माल में लगाने के लिए साल के आखिर में तेरे पास बारह तेरह हो रहे हैं तो फिर अब इसका हिसाब पूरा अलग कर लो कि इतने नफे के हम लेके अलग हो गए अब वापस उसके आकद मुजारबत करो तो एक रकम फी, एक एक टक्के फिक्स नहीं हो सकते हैं कि भाई मेरे को इतने दे देने के बाकी तू जाने तेरा काम जाने मैं उससे मेरा उससे को लेना देना नहीं याद रखना हमारे मार्केट में ये जो फिक्स की वजह से ही से बहुत सारी पार्टियां उड़ जाती है बहुत सारे बहुत सारे ऐसे देखे गए एक आदमी मेरे पास आया उसने एक को लंबी छोड़ी रकम दे दी तकरीबन चालीस पचास पेटी का उसको इन्वेस्ट के लिए दे दिया कहने थे कि जब उसके पास आया तो ये मार्केट में से दो नंबर लोग तो है इसकी टोपी उसके सर जब मुजारबत पे माल तो ले लेते हैं फिर उनकी अचानक से लाइफ बदल जाती है गाड़ी आ जाती है फिर उन्हीं के पैसे से उनको दो टका भी पहुंचा देते हैं कि तूने मेरे को इतने दिए ना ले भाई उसको दो महीने छः महीने साल भी दे देते हैं दो दो टके के हिसाब से बाकी फिर साल हो गया तो भाई कुछ नहीं है हाथ में क्या है फिर ख़त्म उसी के पैसे पूरा वापर के उसको निवरा कर दिया तो बहुत सोच समझ के पहले देना चाहिए एक तो ये मार्केट में बहुत चलता है ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल तो जाएंगे इस तरह काम करने वाले लेकिन इल्ला माशाल्लाह कुछ भरोसे वाले होते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है वरना आज मार्केट में फसाद धोखा ये बहुत ज्यादा है तो खैर ये इसको कहते हैं अकद मुजारबत तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने रतत रद खदीजा रदी अल्लाह उन्न के साथ ये आगद मुजारबा शुरू किया खदीजा का माल था आपकी मेहनत थी अल्लाह ताला ने खूब बरकत फरमाई फिर जब कुछ दिन ऐसे आए कुछ साल ऐसे आए जिस पर जहां आप पर बड़ी तंगी के गुज़रे हैं बहुत तंगियाँ आई ये तंगी क्यों आई किताबों में लिखा है ये फ़ख्र फाक़ा आपका इख्तियारी था आपने इसको पसंद किया था जब आपको नबूवत अता की गई और अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आई तो फिर जो कुछ था सब आपने उम्मत के लिए खर्च कर दिया अपने पास रखना ही नहीं है अपने को कुछ और अल्लाह की तरफ से कहा भी गया था कि यार रसूल अल्लाह अगर आप चाहे तो हम आपके लिए इन मक्का के पहाड़ों को सोना बना दे तो आपके साथ चला करेंगे लेकिन आपने फरमाए नहीं मुझे फकीरी पसंद है मैं चाहता हूं एक दिन खाऊं ताकि तेरा शुक्र अदा करूं एक दिन फ़कर व से ज़िंदगी गुजारूं ताकि सब्र करूं हाँ इसलिए फरमाते हैं कि गिना के दो माना है माल गिना वजह का दौलन फ़ादा बवा का का फ़ागना गनी होने के दो माना है एक गनी होने के माना मालदारी के भी आते हैं कि अल्लाह ने किसी को मालदार बना दिया खूब माल दिया और एक गनी होने के माना आते बेनियाज कर दिया कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो दुनिया से बेनियाज हो जावे उसको ज्यादा की कोई लालच ना हो दूसरों की माल की तरफ उसकी नजर ही ना हो और जो कुछ आवे बस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कनात की कैफियत उसके अंदर पैदा हो जावे ये कहते हैं कि अल्लाह ने इसको गनी बना दिया ये बेनियाज हो गया ये क्या हो गया ये बेनियाज हो गया अल्लाह ने उसको गनी बना दिया हाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दोनों चीज अदा की माल भी दिया और फिर जब एक वक्त ऐसा है कि जब कुछ कमी थी तो फिर आपने अल्लाह अपने कनात वाली सिफत इख्तियार की कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से मिला उस पर राज़ी हो गया कि बस ठीक है जो अल्लाह की तरफ से मिला उस पर राज़ी और उसको फिर जितना आया उसको अल्लाह के राह में खर्च कर दिया अपने लिए कुछ नहीं रखा और लोगों के माल की तरफ नजर नहीं की इसको कहते हैं गनी बन जाना इसको क्या कहते हैं गनी बन जाना कि दूसरे के माल की तरफ उसकी नज़र ही ना हो कि दूसरा क्या करता है हाँ वो इतने कमाता है तो अपने भी इतने कमाने वाले बन जाओ ऐसी कोई चीज़ की तरफ नज़र ना बल्कि अल्लाह माफ़ फरमावे मैं आपको क्या कहूँ एक आदमी मेरे को मिला वो दो नंबर आदमी बिल्कुल छपरी अब मार्केट में उसका काम ही धंधा ही है तो मेरे को कहने लगा कि मुफ्ती साहब ये जो बड़े बड़े फिरते हैं गाड़ियों में ये खाली अपने लिए कमाते हैं ये हमारे लिए भी कमाते हैं <laughs> मैंने कहा तेरा धंधा क्या है तो कहने लगा मेरा सौ टके का धंधा है दोस्त था मेरा मैंने कहा तेरा धंधा क्या है तो सौ टके का सौ टके का धंधा तो यार आज कौन सा ऐसा धंधा है कि सौ टके का धंधा है तेरा तो मेरा सौ टके का धंधा है क्या है सौ टके का भाई हमको भी बता ये आदमी को साल के एंड में पचास टका निकालने बल्कि दस टका निकालने भारी पड़ जाते हैं कि चलो दस टका नफा मिले पूरी मूड़ी पे से सौ टके का धंधा है मेरा क्या धंधा है कि बस ले लिया किसी के पास से अब सारा अपना है ये सौ टके कहेंगे अपने को देने तो है नहीं वापस अपना सौ टके का धंधा है भाई यानी उनकी बात मैंने खुद से सुनी हुई है कि ये दूसरे जो कमाते हैं ना ये खाली कमा कमा, कमा के कहाँ जाएंगे कितना रखेंगे हमारे लिए भी कमा रहे थोड़ा और हम इनको छोड़ रखते हैं जब कभी भी हमारे जाल में फंस जाएंगे आज नहीं तो कल ये कभी भी हमारे जाल में फंसने वाले हैं और ऐसे फंस जाते हैं बेचारे कैसे कैसे फंसते हैं फिर वो वहाँ से निकल नहीं सकते तो खैर बहरहाल ये जो है वो इसको कहते हैं कि दूसरे की माल की तरफ नज़र ना हो दूसरे की माल की तरफ ललचाई नज़र से न देखें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहे उस पर कनात इख्तियार करे और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हलाल का अहतमाम करें तो अल्लाह के नबी सासम को अल्लाह ने इस तरह भी गनी कर दिया कि जो कुछ अल्लाह ने दिया उसको अपनी उम्मत के लिए खर्च कर दिया आगे ज़्यादा की तरफ नज़र न की बल्कि जितना आया सब कुछ लगा दिया किताबों में लिखा है कि आखिरी साल में अल्लाह के नबी साम के दुनिया से जाने से पहले पहले आखिरी आखिरी सालों में बहरीन से एक साल में जो टैक्स आता था खराज वो एक लाख दिरहम आता था एक लाख दिरहम बहरीन से जो खराज आया है वो एक लाख दिरहम आया है उबैदाता उबैदा, उबैदा, अब अबैदा इब्न जर्रा हदी अल्लाह उन्न को अल्लाह के नबी सासम ने वो खराज वसूल करने के लिए भेजा था आप आधी रात में उसको लेकर आए मदीना और एक मक्का मदीना में बात फैल गई कि इतना सारा वो खराज आया है टैक्स आया है बहरीन से एक लाख दिरम पता है एक लाख दिरम कितने होते हैं उस ज़माने में दिरम जो है वो चांदी के हुआ करते थे दिरम और एक दिरम का वज़न 3.062 ग्राम होता था 3.062 जब मैंने बात किताब में पढ़ी तो फिर मैंने उसका कैलकुलेट किया मैंने कहा ये कितना होता है एक लाख दिरम तो ये तकरीबन 300 किलो से ऊपर चांदी होती थी तीन सौ किलो से ऊपर जिसका मैंने आज कुछ नेहू के आसपास भाव है तो अड़ी करोड़ का माल होता है उतना आपके पास टैक्स आया था किताबों में लिखा है कि जब वो आया था इतना माल तो अल्लाह के नबी सासम को इतना आपने फरमाया उसको मस्जिद नबी के सहन में रख दो सुबह की नमाज़ के लिए आप तशरीफ़ लाए और आ, आ, आपने देखा भी नहीं क्या है नमाज पढ़ा के फारिग हो गए आप सहन में बैठ गए मदीना वालों को बुला लो लोग आ जा रहे उसको तकसीम कर रहे लोग आ रहे तकसीम कर रहे यहां तक के पूरे अड़ी करो तकसीम कर दिए कुछ भी अपने पास नहीं रखा फिर एक जब ये सारा खत्म हो गया तो एक साहबी यार रसोल्ला मुझे भी कुछ दीजिए मुझे जरूरत है आपने फरमाया मेरे पास नहीं है खत्म हो गया यार रसोल्ला जरूरत है कुछ दीजिए तो आपने फरमाया एक काम कर किसी से कर्ज ले ले मैं बाद में तेरा कर्ज अदा कर दूंगा हतुमर रजी अल्लाह बोल पड़े यार रसोल्ला आप इतना क्यों अपने ऊपर बोझ उठाते जो अल्लाह ने आपको दिया था आपने दे दिया ये जबर इतना क्यों बोझ उठा रहे तो अल्लाह के नबी सा को खुद निगरानी के आसार महसूस हुए कि मुझे खर्च करने से रोक रहे हैं या रसूल अल्लाह आप ऐसा ज़बरदस्ती बोझ ना लीजिए अरे तो तुम्हारे कहने लगे तो एक सहाबी बोल पड़े यूँ कहा कि या रसूल अल्लाह अनफिक या रसूल अल्लाह वाला तकशिल अरश इकला या रसूल अल्लाह खर्च कीजिए अरश वाले से कमी का खौफ न कीजिए तो अल्लाह के नबी का चेहरा खिल का मैं भी यही चाहता हूं तो जो कुछ था सब लगा दिया इसको कहते हैं कि गनी हो जाना क्या हो जाना बेनियाज हो गए थे आप दुनिया वालों से बस जो था सब कुछ खर्च कर दिया तो यहां अल्लाह ताला ने एक सिफत बयान फरमायी कि देखो तुम जब आए थे तुम्हारे पास क्या था तुम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए कमाने शुरू किया अल्लाह ने तुमको आज दे दिया घर दिया काम काज दिया कारोबार दे दिया औलाद दे दी सब सबको सब काम धंधे पे लगा दिया ये अल्लाह की नेमत है इस पर कभी हमको भी गौर करना चाहिए इसको सोचना चाहिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी सा असम को यूँ कहकर मुझे और आपको अपनी इनामत और एहसानात को याद दिलाया है कि तुम्हारे पास भी नहीं था अल्लाह ने तुमको दे दिया है वह वद का आ इन फागना तुमको बेनियाज कर दिया या तो माल दे दिया है चलो तो माल कम मिला है तो तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि तुम लोगों से बेनियाज हो जाओ दूसरे के माल की तरफ ज़्यादा नज़र न रखो जो अल्लाह ने तुमको दिया है उस पर राज़ी रहो उस पर कनात वाली सिफत इख्त अरे को अल्लाह की तरफ से कम ज़्यादा मिला है कोई दूसरे की तरफ नज़र क्यों करे जो तो आदमी दूसरे की तरफ नज़र न करता है रिवायतों में आता है वो अल्लाह की नज़र में भी महबूब बन जाता है मखलूक की नज़र में भी महबूब बन जाता है और जो दूसरे की तरफ ललचाई नज़र से देखता है अल्लाह की नज़रों से भी गिर जाता है और मखलूक की नज़रों से भी गिर जाता है तो ये फरमाया फो जदा का जब आए थे आपके पास नहीं था अल्लाह ने आपको गनी बना दिया आगे को तीन दूसरी बातें जिक्र की गई है उसको इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में बयान कर दूंगा अल्लाह ताला मन की तोफिक सुहा अभी हमदी को तबार कस्म को जद्दो का सल अदना मोहम्मद सईदना मौलाना मोहम्मद उमारक वसिल ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم امين برحمتك يا ارحم